आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सोनिया गांधी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पत्र लिखकर दी बधाई, कहा गर्व की बात है। अयोध्या में रामलला के दर्शन व आरती में किया गया परिवर्तन, जागरण आरती के लिए कराना होगा अब रजिस्ट्रेशन। गाजियाबाद में जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस के हाथे चढ़ा जहर खुरानी के सदस्य। लखनऊ में फायरिंग करते दिखा भगवाधारी युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के मोबाइल मार्केट में लगी आग, नाका थाना क्षेत्र के विजयनगर का है मामला। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के दर्शन अवधि व आरती की अवधि में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव किया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि रामलला की जागरण आरती अब सुबह 6:30 बजे होगी। आरती में 30 भक्त जागरण हो सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय पर जागरण आरती के लिए कराना होगा अब रजिस्ट्रेशन। औरैया में एक बुजुर्ग ने यमुना में छलांग लगा दी। बुजुर्ग को छलांग लगाता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं कपड़ों में एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से मरने जा रहा हूं, और कॉलोनी की संख्या भी लिखी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। खबर वाराणसी से है, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत जल्द ही सुनवाई करेगी। वहीं जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग रखी है। हिंदू पक्ष की 3 मांगों को लेकर फैसला आ सकता है। इस मामले में पोषणीयता को लेकर फैसला आ सकता है। याचिका में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध करने के अलावा पूजा की इजाजत की मांग वाली अर्जी पर दाखिल की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद में इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में राखी सिंह के साथ ही 5 वादी महिलाओं और यूपी सरकार समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया है। गाजियाबाद में जीआरपी पुलिस ने जहर खुरानी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन, 20,000 रुपए नगद व अल्फा फ्रो जोलम की गोलियां बरामद हुई हैं। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि रेलवे स्टेशन, ट्रेनों व बस स्टैंड पर यात्रियों से दोस्ती करते हैं और चाय या कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अभियोग सितंबर 2022 में पंजीकृत हुआ था जहर खुरानी का, जिसमें 328 IPC में अभियोग पंजीकृत था, और इसमें उस व्यक्ति का जो कि आंवला बरेली के रहने वाले थे, वो दिल्ली से और बरेली तक ट्रेवल कर रहे थे पैसेंजर गाड़ी में। उनको हापुड़ में चाय पिला के और बेहोश करके उनका सामान ले लिया गया था, जिसमें लगभग उनका 22,000 रुपये का सामान और उनके साथ एक और सहयात्री थे, उनका एक मोबाइल और उनका मोबाइल, इतने सामान गए हुए थे। ये इसमें हमारी गाजियाबाद इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम थी जो काफ़ी इसमें सघनता से काम कर रही थी, और इसमें समय ज़रूर लगा, लेकिन सही अभियुक्त को आज 3 महीने बाद हम लोगों ने पकड़ा। औरैया में प्रसिद्ध मंदिर से रंगदारी न मिलने पर एक आरोपी ने महंत पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं व पुलिस कर्मियों ने महंत को किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचाते हुए पकड़ लिया। वहीं मंदिर के पुजारियों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। वहीं हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये मामला जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के देवकली मंदिर का है।
मंदिर के बाहर और एक लड़का आया साफर का है तिवारी, पप्पू तिवारी वधे के साथ रहता है, वो आते ही उसने चाकू मारी एक साइड में इधर, तो लोगों ने चिल्लाया तो उसको पकड़ा गया, दूसरी और उसने एक और पीठ पे मारी, हल्की सी लग नहीं पाई और भाग गया मारते हुए। बीच बचाव किसने करवाया आपका? बीच बचाव मंदिर के जो थे छोटे शर्मा और एक लड़का और था चलने वाला और भक्त थे कुछ और सौरभ भी था, लोगों ने दौड़ के बचाया। मंदिर के पुजारी शिव जी आज बाहर मंदिर के जस्ट बाहर एक नई गाड़ी का पूजन करवा रहे थे, उसी समय एक दिनेश नाम का व्यक्ति आया और एक सब्जी काटने वाली चाकू से उसने ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया। पूरे प्रकरण में क्या मोटिव था और किस प्रकार से यह हमला हुआ है इसके लिए मानती जी द्वारा तहरीर दी गई है, दिनेश को हिरासत में लिया गया है और मामले में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों के आधार पर। हरदोई में दो पक्षों में गोली चलने से पिता और बेटे की मौत हो गई। मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसमें दो की मौत सहित तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। बाबू सिंह उनके बेटे की डेथ हो गई है, दो अन्य घायल हैं और इस संबंध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जो मौके पर पता लगा है इसी मामले से ही बात पर जो अभियुक्त थे वो हमलावर हुए थे और बात बढ़ गई, जिसमें कि दो लोगों की मृत्यु हो गई। सर परिवारजन बता रहे हैं कोई जो है घोड़ा जलाने का विवाद था उसको लेकर जो है आज कुछ बात हुई और उसमें पिछले समय में कार्रवाई भी हुई थी, जो जैसा मौके से पता लगा है और अभी सुजीत साक्षियों से ही बात हुई है। लखनऊ में सैरपुर थाना क्षेत्र के सेवा अस्पताल के पास ब्रजधाम कॉलोनी में एक भगवाधारी युवक का फायरिंग करते हुए नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने युवक पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं ये वीडियो दिवाली वाले दिन का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पूरा मामला जनपद के थाना लोधा क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले अलग अलग परिवार के बच्चों के साथ एक युवक के द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है। युवक पर ये आरोप है कि वो छोटे छोटे बच्चों को टॉफी और पैसों का लालच देकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता था। वहीं मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके अनुसार एक व्यक्ति मोहल्ले की अवयस्क बच्चियों के साथ अनुचित व्यवहार करता था, इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा इससे पूछताछ जारी है। क्या मामला है आप इन बच्चियों को लेके आए? बच्चियों का मामला ये ऐसा है, इनसे लड़का उनकी घरवाली लगा के ले गई बच्चियों को और उनको 10-10 5-5 रुपये दिए, उसने घर में बैठा के लड़कियों के कच्छे खोले, लेकिन उंगली डाली है लड़कियों के उस लड़के ने। क्या नाम है उस लड़के? राकेश कुमार। घरवाली किसकी बुला के ले गई थी? राकेश कुमार किसी माँ नाम के लेके। किस गाँव का मामला है? भानौली का। लखनऊ में नाका थाना क्षेत्र के विजयनगर की मोबाइल मार्केट में आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी। नाका थाने के अंतर्गत अंबर मार्केट है, यहाँ एक मोबाइल शॉप में आग लगी थी, तो जैसे सूचना मिली तो हमारे जो फायर टेंडर्स और लोकल थाने आके यहाँ आग को बुझा दिया गया है और काबू पाया गया है, स्थिति कंट्रोल में है और आग के कारण क्या है इसका अभी जांच पड़ताल चल रहा है, कोई जनहानि नहीं हुआ है और बाकी स्थिति कंट्रोल में है। फतेहपुर में मोबाइल रीडिंग डंप कर मीटर बदलने को लेकर जेई ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि रीडिंग डंप करके मीटर बदलने की मामला सामने आया था, वहीं इस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद जेई
राधा नगर ने आरोपी मीटर रीडर नीलेश पर मुकदमा दर्ज करवाया। आपको बता दें कि वहीं मुरई टोला पावर हाउस में तैनात मीटर रीडर शिवम द्विवेदी के रिश्वत लेकर रीडिंग डंप करने के मामले में अभी भी कार्रवाई ना करने करके मामले को लीपापोती करने की तैयारी में है बिजली विभाग। हेलो भाई साहब, ये कह रहे थे एक वो जो उसका उनका बिल नहीं था तो जिन्होंने वो पैसे उससे दिए थे आपके दुकान से ना, उनका तो मीटर चेंज हो गया है। चेंज हो गया है ना, वो अपना करा लिए। हाँ हाँ ठीक है, उसका वीडियो है फिर हम अपने हिसाब से उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें नजर में अभी पता चला हमें, तो उसको जो है हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 40,000 रुपए उसको जो है हम देख लेते थे। हमने कहा एक बार तुमसे बता दें, मतलब आपने ही तो नहीं करवाया। नहीं कराए, वो अपना जो भी कराए हो तुम ले निकालो, अब कल आना, बस वो 500 रुपए दे देना, अपना बाकी जो चाहो करो। हाँ 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 ठीक है ना। ठीक 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 भाई। खबर प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र से है, जहां टोल प्लाजा के पहले भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ही परिवार के 10 लोग टवेरा गाड़ी से सवार होकर मिर्जापुर के विंध्याचल दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और बिजली के खंभे से टकरा गई। गाड़ी में बैठे 1 साल की बच्ची समेत कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। आज सुबह पुलिस को लगभग 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टवेरा गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वे विंध्याचल की ओर जा रहे थे, तभी बिजली के पोल से गाड़ी अनियंत्रित हुई और उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस पर लगभग 5 लोग जो घायल हैं उनको SRM हॉस्पिटल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में और घटना का निरीक्षण स्थल में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है, मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उनके परिवार से संपर्क कर यथासंभव सभी मदद पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।